आईपीएल 10 में रविवार को हुए दूसरे मैच में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 27 रन से हरा दिया। इस मैच के दौरान पुणे के प्लेयर बेन स्टोक्स की शानदार फील्डिंग भी देखने को मिली। फील्डिंग इतनी शानदार थी कि खिलाड़ियों के साथ साथ कमेंटेटर्स ने भी जमकर तारीफ की। पुणे के साथ साथ आरसीबी के फैंस भी स्टोक्स के लिए तालियां बजाने लगे। आपको बता दें कि बेन स्टोक्स इस आईपीएल सीजन के दौरान प्लेयर्स ऑक्शन में सबसे महंगे बिके थे। पुणे की टीम ने उन्हें 14 करोड़ 5 लाख रुपए में खरीदा है। बेन स्टोक्स की जबरदस्त फील्डिंग बेंगलुरु की इनिंग के दौरान 18वें ओवर में दिखी, जब शार्दुल ठाकुर की बॉल पर स्टुअर्ट बिन्नी ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री की ओर बहुत ऊंचा शॉट लगाया। बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए जा रही थी। उस वक्त बाउंड्री पर बेन स्टोक्स फील्डिंग कर रहे थे, जिन्होंने बॉल की पोजीशन के हिसाब से खुद को वहां सेट कर लिया। बॉल को बाउंड्री के बाहर जाते देख उन्होंने झुकते हुए बॉल को कैच कर लिया, लेकिन वो बैलेंस नहीं कर पाए और खुद भी बाउंड्री के बाहर गिरने लगे। इसके बाद उन्होंने तेजी से बॉल को अपने दोनों पैरों के बीच से ग्राउंड के अंदर की ओर फेंक दिया। स्टोक्स शानदार फील्डिंग करने के बावजूद निराश थे, क्योंकि वो बैट्समैन को कैच आउट नहीं कर पाए, पर फील्डिंग इतनी शानदार थी कि सभी खिलाड़ियों ने ताली बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया। कमेंटेटर ने भी कहा कि उन्होंने लाइफ में ऐसी फील्डिंग कभी नहीं देखी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।